दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल लाइफ इन सऊदी अरेबिया। दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक वीडियो बनाई थी, तो मैंने बोला था कि नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फार्मूले वगैरह कैसे लगाए जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं। दोस्तों, फार्मूला लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई वो बोलते नहीं पहाड़ पहाड़ नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है फार्मूले लगाने का। फार्मूले कैसे लगाए जाते हैं दोस्तों, आसान तरीका है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं इधर छोटे छोटे सेल बनाता हूँ, थोड़े से ये छोटे छोटे सेल बनाए हैं, तो ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए सब बता रहा हूँ। अभी हम लोगों ने दोस्तों फार्मूले वगैरह लगाने हैं कि फार्मूला कैसे लगाना है। तो दोस्तों, फार्मूला लगाने का बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, इतना कोई मुश्किल नहीं है फार्मूला लगाना। कि फार्मूला लगाना बहुत मुश्किल है, फार्मूला लगाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसानी से फार्मूले लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों, हम लोग लिखेंगे इधर पेट्रोल, डीजल, ऑयल, मोबिल ऑयल। दोस्तों, इसकी जो है हम इधर प्राइसेस वगैरह भी लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 10, 35, 56, 45, 45 एंड 20। और दोस्तों, अभी हम चाहते हैं कि ये जो हमने इधर बनाया है ये सब, इसकी हम इधर सिर्फ एंट्री करते जाएं और इसका जो ऑटोमेटिकली है नीचे इसका टोटल आ जाए। मैं थोड़ा सेल बड़ा करूँगा, आप लोगों को शायद नज़र नहीं आ रहा हो, इसलिए दोस्तों मैं थोड़ा बड़ा करूँगा इसको। तो हम लोगों ने क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ देखनी है, एज इक्वल टू लिखना है पहले दोस्तों, एज इक्वल टू, जिसको हम उर्दू में बराबर भी कहते हैं, मसावी भी। तो एज इक्वल टू दोस्तों किया आपने, उसके बाद सम लिखना है दोस्तों आपने, SUM, सम। दोस्तों, एज इक्वल टू सम जो है ना आप लोगों ने लिख देना है, और उसके बाद ये ब्रैकेट डालनी है आपने। आपने ये चीज़ देखनी है दोस्तों, ऊपर से आपका ये आई के नीचे आ रहा है, ये चीज़ देखनी है। और दूसरा, हमारा जो सेल है वो किधर से स्टार्ट हो रहा है, ये 5 से, जैसे 5 से लेके 9 तक है दोस्तों। तो हमने क्या देखना है, ये I5 I5 2 I9 आ रहा है हमारा दोस्तों ये। तो हमने इधर दोस्तों कर देना है अपना I5, ये शिफ्ट दबा के ये दबाना तो ऐसे आएगा, I5 2 I9। दोस्तों ये करना है, ब्रैकेट बंद करनी है और आपने एंटर कर देना। तो दोस्तों, ऑटोमेटिकली आपका जो फार्मूला वो हो गया। अभी अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अभी आपकी प्राइसेस फॉर एग्जांपल चेंज होती है, तो आपने सिर्फ इधर प्राइसेस चेंज करनी है। देखो, नीचे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, नीचे ऑटोमेटिकली खुद ही चेंज होगा, फार्मूला आपका एक्टिव हो गया। फार्मूला फिर लगा नहीं लगा कैसे पता चलता है, जैसे ये 377 है, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऊपर आपको बताएगा कि आपका फार्मूला क्या लगा हुआ है। ये दोस्तों फार्मूला लगाने का एक आसान सा तरीका है, तो फार्मूला लगाना कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। अभी दोस्तों मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि एक होता है कि फार्मूले का एक और तरीका होता है, काउंट वाइज फार्मूला जिसको बोलते हैं, वो भी मैं अभी आपको दोस्तों बताता हूँ कि काउंट वाइज फार्मूला वो कैसे लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल दोस्तों, ये हमने लिखा हुआ है इधर पेट्रोल, डीजल, ऑयल, पेट्रोल, फिर मैं फॉर एग्जांपल इधर फिर लिखता हूँ मैं पेट्रोल, फिर मैं लिखूँगा इधर ये चीज़ है ना, थोड़ा आपको समझाने के लिए दो दो तीन दिन बाद आ रही हूँ। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसका फार्मुलेशन का काउंट वाइज का क्या तरीका है। दोस्तों, अभी आपने देखना है कि आपका जो पेट्रोल कितनी बार आया इसमें लिखा आ रहा है, डीजल कितनी बार लिखा आ रहा है, ऑयल कितनी बार लिखा आ रहा है। इसका आसान सा तरीका दोस्तों, कोई लंबा लंबी चौड़ी इसमें नहीं जाते, तो कोई इसमें कोई मंतक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, आसान सा तरीका है दोस्तों।
सिर्फ आपने इधर आपका काउंटिंग आ जाए कि ये इसमें से कोई जो सेपरेट सेपरेट चीज़ है वो कितनी आई है। अभी हम पेट्रोल पे सिर्फ लगाएंगे इधर, पहले फॉर एग्जांपल हम लोग इधर बनाएंगे इसको दोस्तों, एक सेल बनाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि फार्मूला लगाने का तरीका दोस्तों, इज इक्वल टू CoUNTIF, सॉरी एफ काउंटिफ दोस्तों लिखना आपने, इज इक्वल टू काउंटिफ। उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इज इक्वल टू काउंटिफ लिखने के बाद ब्रैकेट डालनी है, ये ब्रैकेट ब्रैकेट डाल के आपने देखना कि आपका किधर से ये चल रहा है, 5 से लेके 14 तक है आपकी ये, और आपने ये देखना किसके नीचे आ रहा है, एफ के नीचे आ रहा है और 5 से स्टार्ट हो रहा है और 14 तक इसके हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है, एफ 5 से लेके F14 तक कर लेके जाना है दोस्तों आपने। और उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, एक कामा लगाना है आपने इधर, कामा, और उसके बाद इन्वर्टेड कामा दोस्तों आपने डालना है, शिफ्ट दबा के इन्वर्टेड कामा का, इन्वर्टेड कामा। तो उसके बाद आपने जो भी इसमें से सिलेक्ट करना चाहते हैं ना, जैसे जिसका भी फार्मूला लगाना चाहते हैं, पेट्रोल का, डीजल का, ऑयल का, तो वो आपने इधर ऐड करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम, मैं पेट्रोल का लगाऊंगा, PETROL। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वर्ड सेम टू सेम आना चाहिए, और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा दोस्तों, और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देना है, तो इसको फिर उसके बाद एंटर कर देना है। आपने आपको देखिए इधर 4 आ गया, इसका मतलब कि पेट्रोल इसमें 4 बार आया है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा जो फार्मूला है ना वो बिल्कुल करेक्ट फिट हो गया। ऐसे ही दोस्तों सब जो है ना फार्मूले आपने एक्टिव करने हैं, ऐसे ही अगर आप अगर डीजल का पे, मोबाइल ऑयल पे, किसी चीज़ पे भी लगाना चाहते हैं, ऐसे सेम टू सेम लगाना है, इज इक्वल टू काउंटिफ आगे वही ब्रैकेट दोस्तों। उसके बाद आप डीजल पे, ऑयल पे लगाना चाहते हैं, सॉरी डीजल ऑयल एनीथिंग, ऑयल पे लगाना चाहते हैं, तो अपने वो वही चीज़ देखनी है, 5 to 14 के अंदर अंदर आ रहा है, तो F5 to F14, जब F5 to F14 आएगा दोस्तों, तो उसके बाद आपने कामा, उसके बाद इन्वर्टेड कामा, ऑयल सेलेक्ट करना है फॉर एग्जांपल, तो ऑयल लिखना है आपने, ऑयल, उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा करना है दोस्तों, और ब्रैकेट बंद कर देना। मैं दोस्तों तेज तेज इसलिए आपको बता रहा हूँ कि वीडियो लंबी ना हो जाए, तो आप लोग भी बोर ना हो, तो क्योंकि ये छोटे छोटे ट्रिक्स है, इतना कोई मंतिक लॉजिक चीज़ नहीं है कि इसमें इतनी बहस है वो वीडियो लंबी की जाए। तो ये दोस्तों लगाएंगे, और आपने जो है ना आपने इसको ब्रैकेट जो है ना बंद कर देनी है। तो इसमें अभी कोई गलती हुई है कि हमारा फार्मूला नहीं लग रहा है, इसमें क्या हुआ ये देखें, इधर हमसे गलती है, हमने जो इन्वर्टेड काम है ना दोस्तों वो नहीं इधर लगाया, ये इन्वर्टेड काम अब लगा, तो देखें ऑटोमेटिकली हमारा फार्मूला फिट हो गया, 2 आ गया। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।